तो देखो आपने अभी अभी क्या है, मेक आउट माने होता है, मतलब ये अगर निकालोगे तो मेक माने बनाना, आउट माने बाहर ना, ये यहां के अर्थ ना निकलेगा। अगर मतलब ये मेक आउट मतलब बना लिया मतलब क्या बेटा, टू अंडरस्टैंड मैंने क्या लिया, समझ कर लिया, समझ लिया, तो मेक आउट का क्या बन जाएगा हमारा, टू अंडरस्टैंड। मेक आउट क्या बन जाएगा बोलो, टू अंडरस्टैंड। आगे बेटा लिखा है नाइन डेज वंडर, क्या लिखा, नाइन डेज ये वंडर, नाइन माने ना होता है, डेज माने दिन, वंडर माने आश्चर्य होता है। इसके माने क्या होता है, समथिंग मतलब कुछ ऐसा, दैट कॉजेस एक्साइटमेंट हर सार टाइम, जिसके कारण मतलब कि बहुत कम समय के लिए इंसान के अंदर तक क्या आया हो, एक्साइटमेंट आया हो, इसके माने क्या होता है बेटा, क्या होता है एक्साइटमेंट माने हिंदी, उत्सुकता, या किसी काम को करने के प्रति मतलब ये नहीं होता है। सुनो पहले, जैसे मान लो कोई मूवी देखते हो तो मतलब कि मूवी जब बोलो मतलब कि देखते हो पैट्रियट, मान लो देशभक्ति वाला देखते हो तो मतलब गोला लेके जब जाता है तो कुछ समय के लिए लगता है कि आज हम भी गोला दाग देंगे, आज आर्मी भर्ती हो जाएंगे ना जी, तो वही कुछ समय वाला एक्साइटमेंट वही है, वही क्या होता है, उसी बोलेंगे नाइन डेज वंडर, क्या बोलेंगे नाइन डेज वंडर, कि मतलब ये समथिंग दैट कॉज एक्साइटमेंट फॉर ए सार्ट टाइम, मतलब ये कुछ ऐसा कारण है जिसके मतलब लिए कुछ समय के लिए इंसान एक्साइटमेंट हो रहा है। आगे लिखा है नाउ एंड देन, नाउ एंड देन माने बेटा होता है समय समय पर, क्या होता है समय समय पर, यानी ओकेजनली, ओकेजनली माने भी क्या होता है समय समय पर, और हाँ ध्यान देना ऑफ एंड ऑन, बटन को ऑफ एंड ऑन, यानी कभी ऑफ करना कभी ऑन करना, ये क्या होता है बेटा नाउ एंड देन। तो बेटा जरूरी नहीं है कि आप ओकेजनली याद करो, तो नाउ एंड देन में क्या लिख सकते हो ऑफ एंड ऑन, लेकिन जानते हो क्यों नहीं लिखा जाता है बेटा, क्योंकि नाउ एंड देन मतलब इसका मतलब कुछ अर्थ बढ़िया निकलना चाहिए। अगर आप इसको ये लिखते हो तब भी कुछ गलती नहीं है, लेकिन हाँ आइडियम मतलब क्या है कि जब ये अभी मतलब आइडियम से यो इसे लिख दोगे तो कौन जान पाए क्या लिखे हो, एक मतलब कि सुटेबल मीनिंग हमारे पास होना चाहिए। तो बेटा हमने क्या बोला ऑफ एंड ऑन का क्या होता है नाउ एंड देन, एंड नाउ एंड देन का क्या बन जाएगा हमारा ओकेजनली, ओकेजनली बेटा माने समय समय पर या कभी कभी। अब देखो यहाँ पे नन एंड लेस, नन एंड क्या बेटा लिखा है लेस, यानी कि क्या होता है फिर भी, नन एंड लेस माने क्या होता है बेटा फिर भी, यानी कि नेवर दी लेस, क्या बन जाएगा नेवर दी लेस माने क्या होता है फिर भी, नेवर दी लेस माने क्या होता है फिर भी, या नन एंड लेस दोनों को बेटा संधिविच्छेद कर दें, क्या क्या संधि कर दो, नन में लेस जोड़ेंगे क्या बन जाएगा नेवर दी लेस बन जाएगा। आगे लिखा बेटा नल, नल एंड वाइड व्यर्थ, बिल्कुल व्यर्थ होता है नल एंड वाइड, नल माने क्या होता है इम्पटी वाला राजी, ये नल एंड वाइड दोनों व्यर्थता को संकेत करते हैं, तो नल माने नल एंड वाइड माने व्यर्थ होता है, और व्यर्थ कब होगा जब कोई चीज कैसा होगा इफेक्टिव की इनइफेक्टिव, हाँ तो जब इनइफेक्टिव होगा तो नल हो जाएगा पूरा का पूरा, किसी काम का नहीं है बेटा, इनइफेक्टिव बन जाएगा। तो नल माने नल्ले याद कर लो, नल्ले नल्ले माने क्या होता है गंवार, और गंवार माने क्या होता है इनइफेक्टिव। आगे निकाले क्या बेटा नैरो स्केल, क्या लिखा है बोलो नैरो स्केल, तो नैरो माने क्या होता है पतली गली तंग गलियां, और बेटा स्केल माने क्या होता है भागना, यानी कि बेटा तंग गली में भागना मतलब क्या बाल बाल बचना, तो बाल बाल बचने का मतलब क्या बेटा अ हेयर ब्रीथ स्केप, अ हेयर ब्रीथ स्केप माने क्या होता है बाल बाल बचकर भागना, बहुत कम बचकर ही भागना, अ हेयर ब्रीथ माने क्या होता है बाल बाल, और आगे क्या लिखा है स्केप माने भागना या बचना, बस तो बाल बाल बचना। आगे लिखा है बेटा निप इन द नीडल बड, निप माने क्या होता है जी, निप माने याद करना पड़ेगा सर, निप माने होता है खात्मा करना या नष्ट करना, खात्मा करना या क्या होता है बेटा नष्ट करना, इन द बड माने क्या अभी मतलब कल ही है फूल नहीं आया है तभी खत्म कर दिए हो, यानी कि प्रारंभ में क्या करना खत्म करना, यानी कि टू डिस्ट्रॉय एट द वेरी बिगिनिंग, अभी मतलब ये शुरुआत ही कर रहा था अभी आपने क्या कर दिया खत्म कर दिया, उसी को क्या बोलेंगे निप इन द बर्ड, निप माने याद करो खात्मा करना है नष्ट करना, इन द बर्ड माने मतलब कल ही अभी बना हुआ था तभी नष्ट कर दिया, यानी कि स्टार्टिंग में क्या कर दिया आपने नष्ट कर दिया, यानी कि टू डिस्ट्रॉय नष्ट करना एट द वेरी बिगिनिंग माने प्रारंभ में ही। आगे लिखा आउट ऑफ डे, आउट ऑफ डे स्पैर होता है ना जी,
वहां पे एक्सपायर कर सकते हो बेटा, लेकिन जानते हो आउट ऑफ डेट होने क्या होता है कि इनका समय खत्म, आउट ऑफ फैशन या टू ओल्ड होने क्या बहुत ही पुराना हो चुका है, अगर मतलब कि आउट ऑफ डेट है एक्सपायर करोगे तभी कोई दिक्कत ना है बेटा, लेकिन टू ओल्ड या फिर आउट ऑफ फैशन करोगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। तो आउट ऑफ डेट यानी बहुत ही मतलब कि आउट से बाहर, डेट से बाहर है यानी कि आउट ऑफ फैशन है, बहुत ही पुराना चीज है बेटा। अगले क्या है, आउट ऑफ स्टाइल, देख रहे हैं आरटी है, आउट ऑफ स्टाइल माने क्या होता है, मतलब कि स्वस्थता से बाहर होना यानी क्या होना, अस्वस्थ होना, तो मतलब आउट ऑफ स्टाइल होगा तो क्या बोलेंगे, फीलिंग वेल बोलेंगे, यानी कि अनवेल, अनवेल यानी कि अस्वस्थ फील करना, अनवेल माने क्या होता है अस्वस्थ, फीलिंग माने फील करना हो जाएगा। आगे लिखा है पार्ट एंड पार्सल, यानी क्या पार्ट एंड पार्सल, इसके माने होता है महत्वपूर्ण अंग होता है, क्या होता है महत्वपूर्ण अंग होता है, एंड एसेंशियल पार्ट, क्या होता है एंड एसेंशियल पार्ट माने भी क्या होता है बेटा महत्वपूर्ण अंग होता है, बॉडी के अंगों की बात कर, मतलब बॉडी की बात करी गई है, तो पार्ट एंड पार्सल माने क्या हो जाएगा एंड एसेंशियल पार्ट माने क्या आवश्यक अंग बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे महत्वपूर्ण अंग बोलेंगे। आगे लिखा है बेटा पे लिप सर्विस, सर्विस पे करना अदा करना, सर्विस अदा करना लेकिन केवल मुंह से, होठों से सर्विस अदा करना लेकिन केवल मुंह से, तो क्या हो जाएगा टू शो इन सिंसियर रेस्पेक्ट, यानी कि रेस्पेक्ट दिखा रहे हो ना, कल दिखाने वाला है, यानी कि मतलब कि दिखावे का सम्मान करना, दिखावे का सम्मान करना, खाली मुंह से बोलना बस नहीं, काम करना भी है, किसी के प्रति अगर आप बहुत बढ़िया बढ़िया बात कर रहे हो तो जरूरी थोड़ी है कि आपके मन उनके ऊपर थोड़ा रेस्पेक्ट होगा, अगर उनके प्रति आप बढ़िया बढ़िया काम भी कर रहे हो तभी रेस्पेक्ट हो सकता है। वही कह रहा पे लिप सर्विस, यानी कि सर्विस अदा करना केवल मुंह से, माने क्या हो जाएगा टू शो इन सिंसियर रेस्पेक्ट, माने कि दिखावे का सम्मान करना। बेटा ये देखो जी पॉइंट ब्लैंक, पॉइंट ब्लैंक माने क्या होता है, ब्लैंक माने खाली और खाली और पॉइंट माने बिंदु, तो बहुत ही अस्पष्ट होना यानी कि क्लियरली, क्या बेटा हो जाएगा यहाँ पे क्लियरली, तो पॉइंट ब्लैंक क्या बना देगा हमारा क्लियरली बना देगा। आगे लिखा है पॉकेट एंड इंसल्ट, यानी कि बेटा जानते अपमान का एक थैला, पॉकेट एंड इंसल्ट माने क्या हो जाएगा अपमान का एक थैला, तो मतलब ये इसके माने होता है अपमान सहन करना होता है, अगर थैले में मान लो अपमान है तो क्या हो जाएगा अपमान तुम सहन कर रहे हो, अरे भाई पॉकेट में अपमान ले घूम रहे हो, अपमान क्या कर रहे हो सहन कर रहे हो, तो कह रहा है टू बियर एंड इंसल्ट, यानी कि इंसल्ट सहन करना विदाउट अपोजिशन, बिना किसी विरोध के, बिना किसी विरोध के, अगर अगले ने आपको कुछ बोला तो मतलब कि आप क्या किए उस इंसल्टिंग को पॉकेट में डाल लिए, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया, तो क्या विदाउट अपोजिशन, विदाउट अपोजिशन, तो टू बी एयर एंड इंसल्ट विदाउट अपोजिशन। आगे लिखा बेटा रेड लेटर डे, क्या लिखा है रेड लेटर डे, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन होता है बेटा, जान लेना कि रेड लेटर डे माने क्या होता है एंड इम्पोर्टेंट डे होता है, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस होता है, मतलब कि जैसे मान लीजिए आपका जब मतलब कि बर्थडे आता है तो इम्पोर्टेंट डे है आपके लिए ना जी, उसको बोलना हमारा आज क्या है रेड लेटर डे है, क्या बोलोगे हमारे लिए रेड लेटर डे है बेटा, क्या बोलोगे हमारे लिए क्या है, जब आपके एग्जाम की तारीख आ जाएगी तो इम्पोर्टेंट डे नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे रेड लेटर डे बोलेंगे बेटा। अब देखो यहाँ पे रैंक एंड फाइल, रैंक एंड फाइल माने होता है साधारण प्रकृति के लोग, यानी क्या कॉमन पीपल, बेटा क्या हो जाएगा कॉमन पीपल, तो बेटा रैंक एंड फाइल माने क्या हो जाएगा साधारण लोग, तो कॉमन पीपल बन जाएगा। और देखो बेटा रन साइड माने क्या होता है, रन साइड माने कमी होती है बेटा, क्या हो जाएगा रन साइड माने क्या होती है कमी होती है, तो कमी लैग माने ये होता है, तो यहाँ पे लैगिंग का आगे है, तो रन साइड क्या बन जाएगा हमारा बेटा लैगिंग बन जाएगा।